हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है द्वंद समास। तो चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हम इसी तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बात करेंगे हम यहाँ पे द्वंद समास के बारे में। इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं। यह दोनों पद किसी योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। समस्त पद बनते समय और तथा या अथवा संयोगों का लोप हो जाता है। चलिए आइए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे रात दिन, इसका अर्थ हुआ रात और दिन। अगला है भाई बहन, तो इसका मतलब भाई और बहन। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य यहां पे हो जाता है। इसी प्रकार से तीन चार, तीन या चार, राजा रानी, राजा और रानी, दाल चावल, दाल और चावल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो और है अथवा है या है, तो इस तरह में अब अगर इन समाज की बात करें तो उसमें लोपन हो जाता है या वो चीज और या अथवा या उसमें नहीं आता है। ऐसे समाज को हम द्वंद समाज कहते हैं।